हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एनालाइजिंग स्टॉक मार्केट। तो आज हम बात करने वाले हैं वोल्टास के बारे में और उसका स्टॉक एनालिसिस करने वाले हैं 21 फरवरी 2022 के लिए। तो चलिए अब हम जाते हैं सीधा हमारे चार्ट पे। तो यहाँ पे ये चार्ट मैंने ओपन कर लिया है, ये चार्ट मैंने अपने जीरोधा के अकाउंट से ओपन किया। अगर आपके पास अभी तक अपना डीमैट अकाउंट नहीं है तो नीचे लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में जीरोधा की और अपस्टॉक्स की दे दी है। अगर आप चाहे तो हमारे लिंक के थ्रू जो है अपस्टॉक्स में अपना डीमैट अकाउंट जो है वो बिल्कुल ही फ्री में ओपन कर पाओगे और वहां से जो अपनी ट्रेडिंग जर्नी जो है वो स्टार्ट कर पाओगे। तो चलिए अब जाते हैं और देखते हैं इस स्टॉक में हमें फ्राइडे के दिन जो है क्या देखने मिला। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं फ्राइडे के दिन इस स्टॉक में हमें 2.71% का यहाँ पे पॉजिटिव क्लोजिंग देखने मिला है और यहाँ पे क्लोजिंग जो हुई है वो हुई है 1252.50 पे। तो क्या आने वाले दिनों में ऐसा ही जो यहाँ पे पॉजिटिव मूवमेंट रहने वाला है या फिर डाउन साइड आने वाली है उस बारे में हम बात करेंगे। साथ ही साथ यहाँ पे आपका मंडे के लिए क्या सपोर्ट जोन और रेजिस्टेंस जोन जो स्टॉक पर बनता है जरूर जो आपको यहाँ पे मार्क करके बताएंगे और यहाँ पे फ्राइडे के क्लोजिंग के बेसिस पे हमें क्या लगता है स्टॉक में मंडे के दिन क्या हो सकता है जरूर जो हमारा एक ओपिनियन देंगे। तो चलिए अब जाते हैं हमारे वन डे के चार्ट में और वहां पे देखते हैं आने वाले दिनों में स्टॉक में हमें क्या देखने मिलने वाला है। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं वन डे का चार्ट हमने ऑलरेडी ओपन करके रख दिया है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे वॉल्यूम की, वॉल्यूम यहाँ पे एवरेज से थोड़ा ज्यादा हमें वॉल्यूम जो देखने मिल रहा है। करंटली यहाँ पे कैंडल जो बनी है वो एक मीडियम साइज की यहाँ पे कैंडल हमें बनती हुई देखने मिल रही है जो जरूर 20 EM और 50 EM के ऊपर जो है वो जा चुकी है। लेकिन यहाँ पे अगर मैं बात करूँ RSI की, RSI 57-58 के आसपास जा चुका है जो जरूर हमें एक डाउन साइड का जो इशारा देता है। लेकिन याद रखना RSI हो या फिर कोई और इंडिकेटर, हम जो है सिर्फ और सिर्फ इंडिकेटर्स पे भरोसा नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, उसे भी हमें जरूर कंसिडर करना चाहिए जब भी हम किसी भी स्टॉक में ट्रेड करें तब। बाकी यहाँ पे बात रही मेरे ओपिनियन की इस स्टॉक में आने वाले दिनों के लिए, करंटली आने वाले दिनों के लिए स्टॉक जो हमारे लिए फिलहाल जो है जरूर यहाँ पे पॉजिटिव बनते हुए देखने मिलने वाला है। मतलब स्टॉक जो हमें अपसाइड जाते हुए देखने मिलने वाला है, ईजिली हाई चांसेस स्टॉक जो हमें फिलहाल 1280 तक जाते हुए देखने मिले और फिर उसके बाद यहाँ पे 1310 या फिर 1320 तक स्टॉक जो है ईजिली जाते हुए देखने मिल सकता है। बाकी यहाँ पे स्टॉक में करंटली यहाँ पे जरूर जो है 20 EM थोड़ा सा नीचे है 50 EM के, लेकिन हाई चांस है मंडे के दिन यहाँ पे 20 EM जो क्रॉस करते हुए चले जाए 50 EM को, बड़ा हमें मूवमेंट भी जो देखने मिल सकता है। तो जरूर जो आप यहाँ पे उसको जो यहाँ पे नजर में बना के रखे और यहाँ पे मंडे के लिए खास करके क्या होने वाला है हम जरूर बना के चार्ट में बात करेंगे। बाकी आपको क्या लगता है स्टॉक में आने वाले दिनों में क्या हो सकता है हमें जरूर कमेंट करके बताना। लेकिन अगर आपने हमारे चैनल को भी जो सब्सक्राइब करके नहीं रखा है तो अभी के अभी जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ जो है बेल आइकन को भी दबा दे, क्योंकि हम जो है आप सभी के लिए एवरी डे फोर वीडियोस मतलब 4 स्टॉक्स जो है एनालाइज करके लाते हैं और यहाँ पे नेक्स्ट डे और आने वाले दिनों में जो स्टॉक में क्या देखने मिलने वाला है पूरा का पूरा यहाँ पे आपको जो है चार्ट के बेसिस पे समझाने की कोशिश करते हैं। तो चलिए अब जाते हैं हमारे 1 आवर के चार्ट में और वहां पे देखते हैं मंडे के दिन स्टॉक में हमें क्या देखने मिलने वाला है। तो यहाँ पे ये 1 आवर का चार्ट जो हमने ऑलरेडी ओपन करके रख दिया है, अगर यहाँ पे मैं बात करूँ सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज जो किसी भी स्टॉक में होती है उसके सपोर्ट जोन और रेजिस्टेंस जोन की, तो यहाँ पे ऑलमोस्ट सारे के सारे सपोर्ट जोन और रेजिस्टेंस जोन जो है वो मार्क्ड है। हमें कुछ भी यहाँ पे फिलहाल जो है ऐसा नया डेटा देखने नहीं मिल रहा है। अपर साइड में यहाँ पे मैं थोड़ा सा मार्किंग जो है कर लेता है, ऐसा फिलहाल जरूरी नहीं है, लेकिन यहाँ पे मैं मार्किंग करके रखूंगा तो नेक्स्ट टाइम कभी स्टॉक जो उस रेंज में आए तो हमारे पास जो ऑलरेडी मार्किंग हो और इजीली हम जो फिर उसमें जो है वीडियो आपको बता सके। तो यहाँ पे मार्किंग्स जो है आपको हेल्प भी करेंगे अपना टारगेट और स्टॉप लॉस को जो मेंटेन करें। मैं जरूर रिकमेंड करूंगा सेम टू सेम मार्किंग्स अपने चार्ट में कर ले। बाकी यहाँ पे क्लोजिंग आप देख सकते हैं 1254 के आसपास यहाँ पे क्लोजिंग हुई है। डायरेक्ट सपोर्ट यहाँ पे आता है 1249 का। डायरेक्ट रेजिस्टेंस की बात करें तो 1265 का यहाँ पे डायरेक्ट रेजिस्टेंस जो है वो बनता है। तो याद रखना डायरेक्ट सपोर्ट से डायरेक्ट रेजिस्टेंस का जो एरिया होता है वो होता है नो ट्रेडिंग एरिया। इसका मतलब है इस बीच में अगर आपको स्टॉक जो है मंडे के दिन घूमते हुए देखने मिले तो यहाँ पे आपको बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करना है, आपको जो है वेट करना है दोनों में से किसी भी एक साइड में स्टॉक जो हमारा क्रॉस हो और फिर कन्फर्मेशन कैंडल को देखते हुए यहाँ पे अपना ट्रेड लेना है। अगर आपको नहीं पता है कन्फर्मेशन कैंडल क्या होती है तो आई बटन में मैंने कॉन्सेप्ट एंड टारगेटिंग स्ट्रेटेजी का जो वीडियो ऐड किया है जरूर जब उस वीडियो को पूरा का पूरा देखें ताकि यहाँ पे आपको समझ में आए किस तरह से आपको कन्फर्मेशन की कैंडल देखनी है, किस तरह से आपको यहाँ पे टारगेट और स्टॉप लॉस को जो मेंटेन करते हुए चलना है और यहाँ पे इंट्राडे में हमारा स्टॉक जो है नीचे जाए या फिर ऊपर जाए आप किस तरह से जो है यहाँ पे इंट्राडे में अपना जो प्रॉफिट कर सकते हैं वो भी हमने आपको समझाया। तो जरूर जब उस वीडियो को पूरा का पूरा देख ले। बाकी यहाँ पे मैं बात करूँ मेरे ओपिनियन की इस स्टॉक में मंडे के लिए, तो यहाँ पे मंडे
का मेरा ओपिनियन कहने से पहले इंपॉर्टेंट दो सपोर्ट और दो रेशन आफ्टर डायरेक्ट सपोर्ट एंड डायरेक्ट रेशन यहाँ पे क्या बनता है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे डायरेक्ट सपोर्ट के बाद अगला सपोर्ट आता है 1235 का, उसके बाद क्या आता है 1216 का। यहाँ पे डायरेक्ट रेशन के बाद का अगला रेशन आता है 1280 का, उसके बाद क्या आता है 1301 का। तो यहाँ पे जो दो सपोर्ट और दो रेशन जो मैंने बता दिए हैं उसी को आप कंसिडर में रखते हुए जो यहाँ पे अपना मंडे के दिन जो है जरूर आप ट्रेड ले। अब यहाँ पे मैं बात करूँ मेरे ओपिनियन की, तो मेरा ओपिनियन इस स्टॉक में फ्राइडे के क्लोजिंग के बेसिस पे मंडे के लिए जरूर कहूँ तो यहाँ पे स्लाइड जो है यहाँ पे जरूर नेगेटिव का बन रहा है, मतलब स्टॉक जो हमें थोड़ा सा नीचे गिरते हुए जो है देखने मिल सकता है। हाई चांस है यहाँ पे ओपनिंग जो पॉजिटिव हो लेकिन यहाँ पे क्लोजिंग जो है यहाँ पे थोड़ी सी जो है नेगेटिव में हो सकती है। 1235 टू 20 से लेकर 1249 टू 35 के बीच में मुझे लगता है हमें क्लोजिंग जो देखने मिल सके, लेकिन अगर ओपनिंग भी यहाँ पे जो है वो गैप डाउन हुई तो यहाँ पे और नीचे भी स्टॉक जो हमें जाते हुए देखने मिल सकता है। एट देन यहाँ पे हमारा ओपिनियन जो है स्टॉक में मंडे के लिए जो है वो नेगेटिव का है। आपका क्या ओपिनियन है हमें जरूर कमेंट करके बताना, और अगर आपको हमारा एनालिसिस पसंद आया है तो कृपया हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।